और देखिए कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। देखिए अभी जो है मैंने आपको बादल दिखाए थे और अब जो है वो तेज़ बारिश होना शुरू हो। और यहाँ पर जो है वो सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में है आलू पालक है, पराठा है और साथ में मेरी अम्मी भी नाश्ता कर रही हैं। अम्मी सादी रोटी खाती हैं और यहाँ पर दोपहर का टाइम है, मैं बनाने लगी हूँ मुर्गे के पंजे और उसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। प्याज जो है गोल्डन से कलर आ गया प्याज का, तो जो है वो मैं डेढ़ चम्मच जो है वो पिसी मिर्च का डालूंगी और इतना जो है वो हल्दी का डालूंगी। उसके बाद जो है वो मैं नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद जो है वो हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पर जो है वो फिर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये पेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया इसमें और फिर इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद जो है वो इसमें मैं डाल दूँगी पंजे। और दिखाती हूँ, पंजे साफ सुथरे धुले हुए हैं। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, तो ये जो है वो मैं ये रहे पंजे ये डाल दूँगी इसको। डालने के बाद जो है अच्छी तरीके से भूनूँगी, ये ना अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। फिर इसमें जो है वो मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पर देखें जो है वो मैंने इतना पानी डाल लिया है, अब पंजे इसी पानी में ही जो वो गल जाएंगे। और ज़्यादा पानी इसलिए डाला है कि पंजों को गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए पानी ज़्यादा डाला है। जब पानी गल जाएंगे तो फिर मैं इसको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है वो सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से जो है वो मैं अब भूनूँगी। ये पंजों का सालन है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसमें जो है ना दही भी डालते हैं, लेकिन अभी इस वक्त दही है नहीं और कोई लाने वाला भी नहीं है, तो इस वजह से जो है हमने बगैर दही का बगैर टमाटर का बनाया है ऐसी भून के ही। और अब जो है वो मैं इसको और अच्छी तरह भून के जो है इसमें जितना शोरबा रखना होगा। और यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे तरीके से जो है सालन को भून लिया था, ऑयल ऊपर आ चुका है, पंजे गल चुके थे। अब जो है वो मैं इसमें जो है इतना पानी डाल रही हूँ कि जितना हमें शोरबा रखना है। ये देखें अभी थोड़ा सा बिल्कुल और डालूँगी क्योंकि शोरबा हमारे घर ज़्यादा खाने में आता है और हम लोग चूर के भी रोटी खाते हैं। और ये हम लोग ने बनाई थी कल तहारी, तो ये बच गई थी, इसको फ्रीज कर दी थी। अब जो है वो मैंने आयशा के लिए तहारी निकाल ली है। अब आयशा को मैं खिलाती हूँ। और ये जो मैंने सालन दिखाया था आपको, सालन जो है वो दोपहर शाम के लिए पक रहा है और ये तहारी जो है वो अभी आयशा को खिला देती हूँ। और ये जी रात का टाइम था, ये मैं पंजों का सालन खा रही हूँ। देखिए चूर के रोटी खा रही हूँ, जिसको मसल के भी बोलते हैं रोटी। बहुत मज़े का सालन बना था। और यहाँ पर जी देखें जी, ये आज जो है बहुत तेज़ कराची में जो है वो बारिश हुई है अच्छी खासी और बादल भी आए हुए हैं। और देखें कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। देखें अभी जो है मैंने आपको बादल दिखाए थे और अब जो है वो तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। ये देखें कितनी तेज़ हो रही है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के वहाँ हो रही है बारिश या नहीं है। देखें यहाँ कितनी तेज़ हो रही है, ये देखें बहुत तेज़ हो रही है। और ये देखें बारिश होने के बाद जो है वो थोड़ी देर रुक गई थी। अब देखें बादल जो है वो कितना साफ आसमान हो गया है, लग नहीं रहा कि थोड़ी देर पहले जो है वो बारिश हुई थी। आज मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा है, बादल पूरे ढक जाते हैं, काले हो जाते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।